लोग आए इसलिए कि उनको शिवपाल सिंह पर बहुत विश्वास है। वो चाहते हैं कि शिवपाल सिंह ऐसी शक्ति बनकर उभरे और उभरने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, 3-3.5 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा बिफोर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन। वो इतनी बड़ी शक्ति बनकर उभरेंगे जिसको लोगों ने अभी उम्मीद नहीं की थी। आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी जी को अगर दिखाई पड़ता है कुछ या विपक्ष के पार्टियों को दिखाई पड़ता है इस समय, तो केवल शिवपाल सिंह यादव नजर आ रहे हैं। एक मेन टारगेट पिछड़ों में जो है यादव जाति को मेन टारगेट किया जा रहा है। हर जगह हर ऑफिस में पीड़ित किया जा रहा है। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। आज शिवपाल सिंह यादव और डीपी यादव ने यदुकुल पुनर्जागरण मिशन की शुरुआत की। ये एक ऐसा मिशन है, बताया गया कि यदुकुल में जितनी जातियां होती हैं उनके उत्पीड़न के खिलाफ है। और इसके अलावा 10 पॉइंट भी इसमें बताए गए हैं, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, युवाओं को 8,000 रुपये देना अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो, इसके अलावा खासतौर पर अहीर रेजिमेंट की भी बात की गई है, जातीय जनगणना की भी बात की गई है। लेकिन जैसा कि राजनीतिक सुगबुगाहट है, कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव इस बहाने यादव समुदाय के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। ये उनकी सियासी ताकत की एक परख भी है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से सियासी रिश्ते चल रहे हैं समाजवादी पार्टी से राहें अलग होने के बाद, उसको देखते हुए भी ये महत्वपूर्ण है। और बीजेपी जिस तरह से यादव वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक को, जिसको यादव को कहा जाता है, वो भी उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। हमारे साथ वो कार्यकर्ता, वो पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर आए थे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले राजेश यादव जी, आप प्रवक्ता भी हैं प्रसपा के, आप यादव महासभा के में भी हैं। ये जो यदुकुल पुनर्जागरण मिशन है, ये है क्या? एक्चुअली मैडम, यदुकुल पुनर्जागरण मिशन जो है ये केवल यादवों तक ही सीमित नहीं है। चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो और चाहे गरीब वर्ग हो, ये सबको जोड़कर बनाया गया है। अभी आप देर में आई हैं, इसका मिशन ये है कि जितनी भी जातियां जो दबी कुचली हैं उनको सबको जोड़कर। नहीं, मैं इससे पहले भी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई थी, आप लोगों की मीटिंग बाद में, उसमें ये बताया गया। लेकिन जिस तरह से इस समय सियासी एक सुगबुगाहट है, ये खासतौर पर यादव नेताओं को इसके लिए आमंत्रित किया गया था जो वहाँ बैठे थे मंच पर, तो दिखाई पड़ रहे थे। देखिए, यादव नेताओं को जोड़ना ये कोई गलत बात नहीं है। एक डीपी यादव जी हुए या पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, आप देखिए फर्रुखाबाद के मानी नेताजी के रिश्तेदारी हैं, वो सब लोग आए इसलिए कि उनको शिवपाल सिंह पर बहुत विश्वास है। वो चाहते हैं कि शिवपाल सिंह ऐसी शक्ति बनकर उभरे और उभरने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, 3-3.5 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा बिफोर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन। वो इतनी बड़ी शक्ति बनकर उभरेंगे जिसको लोगों ने अभी उम्मीद नहीं की थी। और यादव समाज के साथ में पिछड़ा वर्ग समाज को भी वो एकत्रित करेंगे और पूरी तरीके से वो उनकी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे। बिल्कुल, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी और वो एक ऐसी शक्ति बनकर के उभरेंगे, ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप बताइए कि जिस तरह से ये पूरी कवायद हो रही है, लोकसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में एक ताकत दिखाने का भी जरिया है, और ताकत कौन सा? यादव वोट बैंक को लेकर के, समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है, तो लग रहा है इसका कुछ असर होगा, इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल, ये देखिए, दो महाशक्ति यादव समाज की, दो महाशक्ति डीपी यादव जी और माननीय शिवपाल यादव जी की आगे यहाँ पे मुलाकात हुई है। ये कह भले नहीं रहे हैं लोग, लेकिन साफ संदेश यही जाता है कि ये यादव समाज को जोड़ेंगे और यादव समाज का आने वाले समय में नेतृत्व करेंगे और 2024 में इसको आपको बाखूबी जो पूरी फिल्म देखने को मिलेगी। फिल्म यानी कि 2024 में देखने को मिलेगी। आप बताइए, 2024 में फिल्म देखने को मिलेगी, क्या लग रहा है कि इस पूरे मिशन, इस पूरे कवायद के बाद वोट कटवा के तौर पर कहीं ना कहीं ये जो एकजुटता है, जो ये संगठन है, ये दिखाई पड़ेगा? क्योंकि अभी वोट तो समाजवादी पार्टी के पास है, बीजेपी भी कोशिश कर रही है, निरहुआ जी को उन्होंने चुनाव लड़वाया, जितवाया। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। दरअसल कोई भी संगठन बनाना, आज जो यादव समाज टारगेट हो रहा है, यादव समाज सबसे उत्पीड़ित हो रहा है और यादव समाज पिछड़े दलितों और सब में मार्शल कौम है और हमेशा सबका नेतृत्व किया है। यादव कौम ही ऐसी मार्शल कौम है जिसने पिछड़े दलितों और हर अन्याय अत्याचार के खिलाफ यादव ने ही लड़ाई लड़ी है और ये आज शुभारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी राय, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज माननीय
शिवपाल सिंह जी के संरक्षण में और जिसके अध्यक्ष हैं माननीय डीपी यादव साहब, आज ये आगाज हो गया है। और आने वाले समय में, जैसा कि हमारे बड़े भाई राजेश जी ने बताया कि आने वाले समय में 3 महीने के अंदर ये जो संगठन है, ये जो शक्ति है, ये जो कमेरा बनाम लुटेरा की जो लड़ाई है, और कमेरा वाले जो है लड़ाई जीतने का काम करेंगे। और 24 राम सिंह यादव नाम है, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत रायबरेली हूँ। तो ये कमेरा और बनाम लुटेरा की जो लड़ाई है, उसमें जो रायबरेली ये जितने भी हमारे आज वो प्रतिनिधि आए हैं, उन्होंने भी कहा, योद्धा की तरह शिवपाल जी ने भी कहा, आप एक युवा, क्या नाम है संगठन को? बबलू चौधरी जितेंद्र कुमार यादव। ये जो यादव नेताओं को जोड़ने की एक पहल है, आपको यदुकुल नाम दिया गया है, उसमें जितनी जातियां कहा जा रहा है, लेकिन यादव खासतौर पर ऐसा वोट बैंक है जो सियासी रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय है। मुलायम सिंह यादव जी ने एकजुट किया था, लेकिन अब लग रहा है आप समाजवादी पार्टी से आप लोग खुश नहीं थे, तो अब लग रहा है शिवपाल जी कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं उसको, वोट बैंक को। ऐसा कुछ नहीं, जोड़ने को लेकर ऐसा कुछ नहीं है। पिछड़ों को इकट्ठे करने का काम हो रहा है, पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है, ये यादवों का पुराना इतिहास रहा है। ये यादवों ने ही लड़ाई लड़ी है सब। जो पिछलों की लड़ाई है, जो दबो कुचलों की लड़ाई है, वो यादव लड़ रहा है, इसलिए दो नाम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि हम सपा से खुश नहीं है, कि प्रजापता से खुश नहीं है, कि हम बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं। हम अत्याचार, जो अत्याचार हो रहा है, एक मेन टारगेट पिछड़ों में जो है यादव जाति को मेन टारगेट किया जा रहा है। हर जगह हर ऑफिस में पीड़ित किया जा रहा है यादव जाति को। यादव जातियों ने इसे मुद्दा उठाया पिछलों की लड़ाई लड़ने के लिए। हम लोग यादव आए हैं, हमारे पुराने इतिहास है यादवों के, जो उन्हें बुलाया जा रहा है। हमारे पुराने इतिहास है, लेकिन अब जन्माष्टमी के मौके पर भी जिस तरह से चिट्ठी शिवपाल जी ने लिखी थी एक कार्यकर्ताओं को, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसको एक तरह से जो नेता हैं, जो मुलायम सिंह जी के साथी थे, उनके करीबी थे, उनके साथ रहे, उनको वहाँ मौका नहीं मिल पा रहा है, उनको वहाँ तवज्जो नहीं मिल रही, उनको भी जोड़ने की बात है, ये कब को लगता है? आपने जन्माष्टमी की बात कही मैडम, आप जरा बताइए, जन्माष्टमी मनाई जाती है भगवान कृष्ण के नाम। भगवान कृष्ण ने क्या किया? उनके परम मित्र सुदामा भी थे और क्षत्रिय अर्जुन भी थे मित्र। उन्होंने समाज को जोड़कर शासन किया, भगवान बने, राजा भी थे और ग्वाले भी थे। तो उसी आधार पर माननीय शिवपाल सिंह यादव जी इस सत्ता को पाने जा रहे हैं। मैंने तो सत्ता को पाने जा रहे हैं। उनके बिना कोई अब सत्ता उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी। ये अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात कैसे होगा? ये यूपी में यादव वोट बैंक पर वर्चस्व ही तो होगा कि उनके बिना कोई सत्ता नहीं। फिर से कह रहा हूँ, आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी जी को अगर दिखाई पड़ता है कुछ, या विपक्ष के पार्टियों को दिखाई पड़ता है इस समय, तो केवल शिवपाल सिंह यादव नजर आ रहे हैं। जिसके साथ शिवपाल सिंह, वो तो उन्होंने पहले भी कह दिया था कि अब सत्ता में रहेंगे, लेकिन उनका किसी व्यक्ति विशेष का प्रेम संबंध जाग उठा और उन्होंने सपा को समर्थन दे दिया। लेकिन अब जिधर शिवपाल सिंह रहेंगे, सत्ता उसी पाले में रहेगी। चलिए, पुराने वो बातों को, मुद्दों को भी उठा रहे हैं। अहिर रेजिमेंट का मुद्दा बहुत पुराना है, मुलायम सिंह यादव जी ने उसको लेकर इनिशिएट किया था। आपको लगता है कि ये सब काम करेगा यादवों को जोड़ने के लिए खासतौर पर? बिल्कुल काम करेगा। माननीय नेताजी ने जो शुरुआत की थी, वो काम अधूरा रह गया है। अब माननीय शिवपाल यादव जी के नेतृत्व में ये काम पूरा होगा और वो समाज जिसके हक की लड़ाई अब दूसरे लोग नहीं लड़ रहे हैं, जिनको लोग नेता मान बैठे हैं, वो लोग नहीं लड़ रहे हैं, अब हम लोग लड़ेंगे और मिलकर उनके सुख दुख को बांटेंगे और उनकी बात को विधानसभा से लेकर लोकसभा तक लड़ेंगे, सड़क से लेकर संसद तक एक करेंगे और लोगों के हितों की रक्षा करेंगे और वो निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये हैं जो यहाँ पर यदुकुल पुनर्जागरण मिशन में आए कार्यकर्ता हैं, प्रसपा के कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग यादव महासभा से भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक ताकत बनकर के शिवपाल सिंह यादव उभरने वाले हैं और वो लोकसभा चुनाव से पहले। जाहिर है यादव नेताओं को जोड़ा जा रहा है, तो बात कहीं ना कहीं उस वोट बैंक की भी है जिसको यूपी की राजनीति में कम से कम एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है और जिस पर समाजवादी पार्टी की पकड़ फिलहाल सबसे ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन बीजेपी ने भी हाल फिलहाल उसको जोड़ने की कोशिश की है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।